गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम टू अड्डा 247 पीसीएस YouTube चैनल आज हम लोग करंट अफेयर्स को देखेंगे वो भी आखिरी 6 महीने के करंट अफेयर्स को इस मैराथन सेशन में देखने का प्रयास करेंगे जितने भी बच्चे हैं वो सभी कोई फूर्ती जी से लाइव जुड़ जाइए ताकि फिर हम लोग सेशन को देखें ठीक है चलिए आप लोगों को सेशन जो है वो मैं शेयर भी कर देता हूं अलग अलग से चलिए फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए चलिए तो स्टार्ट करते हैं आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ते रहिएगा पहला सवाल है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसको आप सीबी का नया चेयरमैन निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है तो ये सवाल है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सीबी के नए चेयरमैन कौन है माधवी पुरी बुच कौन है सेबी के नए चेयरमैन माधवी पुरी बुच एक बार आप लोग एक मिनट बस सेबी के नए चेयरमैन कौन है माधवी पुरी बुच आंसर हो जाएगा माधवी पूरी बुच अगर हम लोग थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेकर ले तो क्या है देखिए माधवी पूरी बुच को भारतीय जो प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड है सेवी उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया और यह पहली बार है ऐसा पहली बार है कि प्राइवेट सेक्टर से कोई भी महिला को बाजार नियामक क्योंकि ये बाजार को रेगुलेट करता है ये आपको पता है सिक्योरिटी मार्केट को सीबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है तो ऐसा पहली बार है कि, कि किसी बाजार नियामक के तौर पर किसी महिला को नियुक्त किया गया है ठीक है हालांकि जो माधवी पुरी बुच है वो पहले ही सीबी की एक सदस्य रह चुकी हैं और अब वो किसकी किसका किस स्थान ले रही हैं अब वो अजय त्यागी का स्थान लेंगी तो ये भी याद रखना है कि वह किसका स्थान ले रही है तो वो अजय त्यागी का स्थान लेंगे चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं भारत के स्टार निशानेबाज पहले आई एस एस एफ देखिएगा आई एस एस एफ विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में निम्न में से कौन सा पदक जीत लिया है ठीक है तो बताएंगे आई एस एस एफ विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीत लिया है तो कौन सा पदक जीत लिया है स्वर्ण पदक कौन सा पदक गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है आईएसएसएफ विश्व कप में सौरभ चौधरी ने इस साल गोल्ड मेडल जीत लिया है तो करेक्ट आंसर सिंपल जो है वो गोल्ड मेडल है हालांकि एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक विजेता चौधरी ने काहिरा में काहिरा में जारी वर्ल्ड कप के स्वर्ण पदक मुकाबले में जर्मनी के माइकल स्वोल्ड को पछाड़ा ठीक है तो इतना आपको ध्यान में नहीं रखना है बस ये ध्यान में रखना है कि इन्होंने कौन सा कप जीता मतलब कौन सा पदक जीता तो कौन सा पदक जीता है गोल्ड मेडल बस इतना ध्यान में रहेगा तो काम हो जाएगा गोल्ड मेडल जीता है शूटिंग में आईएसएसएफ का मतलब शूटिंग समझ लीजिए आप एयर पिस्टल में यूरोपीय संघ ईयू ने हाल ही में किस देश को शामिल करने की मंजूरी प्रदान कर दी है तो ईयू के अंतर्गत अब कौन जो है वो शामिल हो जाएगा तीसरे नंबर सवाल का करेक्ट आंसर आप बताएंगे कि ईयू में कौन शामिल हो जाएगा तो यूक्रेन यूरोपियन यूनियन ने किसे शामिल करने की बात कही है यूक्रेन को और उसके लिए मंजूरी दे दी है तो डी यूक्रेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्री का डी अब देखिए तो यूरोपीय संसद ने यूक्रेन के लिए इस बात को मान लिया है और यू, 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 यूरोपीय संघ में जो उनके शामिल होने की बात है उसको जो है स्वीकार कर लिया है और इसके लिए आप देखिएगा तो रूस के य, यू, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं ब्लादमिर जेलेंस्की इनका नाम चूंकि काफी भी रहा है रशिया यूक्रेन वॉर में तो इस नाम को भी याद रखिएगा तो उन्होंने हाल ही में यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल करने के लिए क्या किया था आवेदन किया था और उस आवेदन के बाद यूरोपीय संघ ने इस आवेदन को मंजूरी दे दी है ठीक है तो ये ध्यान में रखना है अब देखिए यूक्रेन से आपसे सवाल पूछ सकता है क्योंकि रसिया यूक्रेन वॉर जो है उसके चलते देश की आप कह सकते हैं भारत की छोड़िए पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था काफ़ी बुरे दौर से गुजरी तेल इश्यूज हुए इस कारण से ही मैं कह रहा हूं कि यूक्रेन से सवाल आपसे पूछा जा सकता है यूक्रेन के लोकेशन को काफी अच्छे ढंग से देखिएगा और यूक्रेन के जैसे मैंने अभी आपको बढ़ाया यूक्रेन के राष्ट्रपति ब्लादिमिर जेलेंस्की ये नाम ध्यान में रखिएगा रशिया के लोकेशन को देखिएगा इस दोनों लोकेशन को काफी बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करिएगा मुंबई के नए पुलिस आयुक्त तो जो चीफ कमिश्नर हैं वो कौन नियुक्त हुए हैं पुलिस आयुक्त तो पुलिस कमिश्नर कौन नियुक्त हुए हैं चार नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या है संजय पांडे क्या होगा सी संजय पांडे तो मुंबई के पुलिस आयुक्त के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है सी संजय पांडे को नियुक्त किया गया है तो ध्यान रखेंगे कि संजय पांडे जो है वो मुंबई के पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं अब देखिए कि वह किसकी जगह लेंगे बस इतना ध्यान रखिए किसकी जगह लेने वाले हैं तो हेमंत नागरले वो हेमंत नागरले की जगह लेंगे ठीक है अब आपको याद होगा परमबीर सिंह परमबीर सिंह सुशांत सिंह वाले मामले में परमबीर सिंह थे उनको हटाकर ये हेमंत नागरले को बनाया गया और उसके बाद फिर से अभी नया नियुक्ति किया गया है वेस्टइंडीज के निम्न में से किस पूर्व स्पिनर का बानवे वर्ष की उम्र में निधन हो गया है तो कौन से ऐसे पूर्व स्पिनर हैं जिनका बानवे वर्ष की उम्र में निधन हो गया सोनी रामदीन क्या नाम है सोनी रामदीन ये ध्यान में रखेंगे ये नाम बी सोनी रामदीन तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनी रामदीन तो ये वेस्ट इंडीज टीम के क्या है दिग्गज स्पिनर है इनका नाम है ये स्पिनर थे और ये बिरानवे साल की उम्र में थे और इन्होंने सबसे पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला था ये ध्यान में रखिएगा पंजाब किंग्स ने किस सलामी बल्लेबाज को आईपीएल 2022 के लिए अपना नया कप्तान बनाया है तो आईपीएल so, 2022 के लिए किस सलामी बल्लेबाज को पंजाब किंग्स ने अपना नया कप्तान बनाया है लेकिन सवाल, तो सवाल भी है so, तो किसको बनाया है तो so, ये बनाया है मयंक अग्रवाल को क्या नाम है मयंक अग्रवाल तो पंजाब किंग्स ने मयंक अग्रवाल को जो सलामी बल्लेबाज हैं उनको आईपीएल 2022 के लिए अपना कप्तान बनाया है ठीक है अब आपको पता है कि मयंक अग्रवाल पहले कहां खेल रहे थे पंजाब सुपर किंग्स जो पंजाब किंग्स अब तो पंजाब किंग्स हो गया तो पंजाब किंग्स में पहले भी खेलते थे वो 2018 में, ठीक है? है, अब जो वो खुद कप्तानी करेंगे और उस समय जब वो खेलते थे तो उस समय के राहुल भी जो है वो कप्तानी करते थे तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर ए मयंक अग्रवाल होगा ठीक है करेक्ट आंसर ए मयंक अग्रवाल है चलिए विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है तो नागरिकों की सुरक्षा के प्रति इसमें जागरूकता फैलाने का काम किया जाता है यह किस दिन मनाया जाता है एक मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस एक मार्च को हम लोग मनाते हैं और नागरिक सुरक्षा के जो भी महत्व हैं दुर्घटना या आपदा की स्थिति से रोकथाम ये सब जो है इस दिवस का मुख्य लक्ष्य होता है और हम पूरे वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षण इसी तरफ कराना चाहते हैं कि नागरिकों की सुरक्षा हमें हमारी जिम्मेदारी है और दुर्घटना या आपदा ना हो इसके लिए हम जागरूकता फैलाने का भी काम करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एक मार्च भारत पे के किस सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है तो भारत पे के किस सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक ने क्या नाम है अश्नीर ग्रोवर क्या नाम है अश्नीर ग्रोवर तो करेक्ट आंसर सी अश्नीर ग्रोवर हो जाएगा तो भारत पे के सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक अश्निर ग्रोवर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और आरोप लगाया है कि जो अस्ट ग्रोवर और जो सहसंस्थापक थे और उनके परिवार ने कंपनी कंपनी का का जो जो पैसा है का जो फंड है वो काफी उसका दुरुपयोग किया है भारत पे ने अस्नीर ग्रोवर पे आरोप लगाया चूंकि देखिए अब अस्नीर ग्रोवर का केवल नाम तो याद रहेगा नहीं उसकी कहानी को भी जानना पड़ेगा तो भारत पे ने अस्नीर ग्रोवर पे यह आरोप लगाया कि असनीर गोवर और उनके परिवारों ने मिलकर जो भारत पे का फंड है उसका काफी दुरुपयोग किया है पैसे का काफी दुरुपयोग किया है जिसके कारण यह कदम उठाना पड़ा है तो असनीर ग्रोवर के परिवार और उनके संबंधियों ने कंपनी के कोष को बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया था तो इस कारण से आप देखिएगा तो असनीर ग्रोवर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है यह आरोप लग रहा था उन पर निम्न में से किस राज्य में ऑनलाइन बैंक खाता खोलने हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी प्रोजेक्ट बैंक सखी योजना को लॉन्च किया तो बैंक खाता खोलने के लिए प्रोजेक्ट बैंक सखी इस तरीके का एक आपके इर्द गिर्द के स्टेट के बाहर का जो प्लान होता है स्टेट का जो स्कीम होता है यह परीक्षा में पूछा जाता है तो नवा नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या है उड़ीसा तो बैंक सखी योजना बैंक खाता खोलने के लिए वो भी ऑनलाइन तरीके से बैंक खाता को खोलने के लिए जो स्कीम लॉन्च किया गया वो उड़ीसा सरकार की है तो प्रोजेक्ट का नाम याद रखिएगा बैंक सखी ठीक है प्रोजेक्ट का नाम याद रखिएगा बैंक सखी तो यही ध्यान में रखिएगा ठीक है ऑनलाइन खाता खोलने के लिए या बैंक खाता खोलने के लिए क्या होगा ओडिशा के लोगों को घर घर यहां पर ध्यान देंगे घर घर और परेशानी मुक्त पहुंच प्रदान करेगा आराम से जाकर घर पर खोला जाएगा या फिर आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन तरीके से खोलिएगा तो बिल्कुल आप जो है परेशानी मुक्त रहिएगा तो लोगों को घर घर और परेशानी मुक्त जीवन प्रदान करेगा वो आराम से बैठकर क्या कर सकते हैं वित्तीय सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं अकाउंट्स खोल सकते हैं तो यही जो है प्रोजेक्ट बैंक सखी अगले सवाल की ओर चलते हैं विश्व बैंक ने अफगानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों और एनजीओ को निम्नलिखित में से कितने अरब डॉलर का फंड घोषणा की, की है तो विश्व बैंक ने किसके लिए अफगानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों और एनर्जी सॉरी एनजीओ को निम्नलिखित में से कितने अरब डॉलर फंड देने की घोषणा की है अफगानिस्तान से सवाल एक बार अभी पिछले बार भी पूछा था ये बताइए कितने अरब डॉलर की फंड देने की घोषणा की है एक अरब डॉलर तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वन बिलियन डॉलर तो विश्व बैंक ने अफगानिस्तान के लिए इतने अरब डॉलर देने की घोषणा की है ठीक है क्लियर है अगले सवाल की ओर चले तो एक अरब डॉलर तो गंभीर रूप से आर्थिक संकट का जो है आर्थिक संकट झेल रहा है अफगानिस्तान और उस समय उसे विश्व बैंक की सहायता से एक उम्मीद है और इसी संदर्भ में आप देख सकते हैं कि एक अरब डॉलर की मानवीय सहायता देने की घोषणा की गई है ठीक है विश्व वन्य जीव दिवस तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे वाइल्ड लाइफ डे किस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे किस दिन मनाया जाता है तीन मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे किस दिन मनाया जाता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्च बिल्कुल याद रखिएगा यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे एक बड़ा डे है तो इस कारण से ही ये, ये जो 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 है है वो पूछा जा सकता है। अब जो भी वाइल्ड 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 लाइफ लाइफ एनिमल आप देख रहे हैं पर्यावरण के लिए जरूरी है वन्य जीवों का प्रयोग आप समझ सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या जा सकता है बायोडाइवर्सिटी के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है और उनके प्रति जो अपराध है उनके प्रति अपराध को रोकने के लिए लोगों के मन में यह जागरूकता फैलाने का काम यह दिवस करता है तो वन्य जीव अपराध से लड़ने के लिए तत्काल कदम उठाने की यह बात करता है यह दिवस तो इस दिवस में सबसे पहले तो वन्य जीव के संरक्षण की बात है उन पर कोई अपराध ना हो इसके लिए वैश्विक समुदाय को जागरूक किया जाता है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी तीन मार्च अगले सवाल में आएंगे गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास सर्विस किस देश में लॉन्च कर दी है तो गूगल ने अपनी जो सर्विस है गूगल प्ले पास यह किस देश में लॉन्च कर दी है तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा सी भारत तो गूगल प्ले पास भारत में लॉन्च कर दी है ये सीधा आपसे सवाल पूछ सकता है ठीक है सबसे पहले अगर आप ध्यान दीजिएगा तो दो साल तीन साल पहले लगभग दो साल पहले गूगल प्ले पास को अमेरिका में लॉन्च कर दिया गया था गूगल प्ले पास होता क्या है एंड्रॉयड यूजर बिना किसी आप अभी अभी एप्लीकेशन खोलते हैं तो आपको क्या दिखता है इतना सारा एड आता है तो गूगल प्ले पास के माध्यम से बिना किसी विज्ञापन के आप एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकेंगे जो भी एंड्रॉयड यूजर हैं वो बिना कोई एडवर्टीजमेंट के ही एप्लीकेशन का प्रयोग कर सकेंगे ठीक है तो यह फिलहाल अभी एक हजार एप्स के साथ ये सुविधा मिलेगी मतलब एक हजार एप्स आपके आप उसी एप्स को जब चला रहे होंगे तभी आप गूगल प्ले पास वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं अन्यथा नहीं ठीक है और इसको बढ़ाया जा रहा है हालांकि इकतीसवें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन करेगा तो इकतीसवें दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन कर रहा है यह आपको बताना है तो यह कौन कर रहा है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की मेजबानी वियतनाम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वियतनाम ठीक है तो इकतीसवें दक्षिण पूर्वी एशिया कब से कब तक होने वाला है ये? 12 से लेकर 23 मई 2022 तक लिखा भी होगा 12 से लेकर 23 मई 2022 तक यह आयोजन होने वाला है वियतनाम में होने वाला है और माना जाता है कि दक्षिण पूर्वी एशिया मीन साउथ ईस्ट एशिया का यह सबसे बड़ा खेल आयोजन है ठीक है हालांकि ये पिछले साल नवंबर में ही होना था नवंबर 2021 में लेकिन कोविड के कारण क्या हुआ उसको बढ़ा करके 12 से 23 मई 2022 कर दिया गया इसमें देखिएगा तो लगभग 40 खेल इसके अंतर्गत शामिल होंगे जिसमें दस हजार से ज्यादा प्रतिभागी भाग लेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वियतनाम अमेरिका यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं तो कौन सा ऐसा देश है जिस पर अमेरिका हो यूरोपीय संघ हो इन सभी ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं? कौन सा देश है तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रसिया क्या होगा रसिया बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सवाल आपसे सीधा पूछा जा सकता है मैं बार बार कह रहा हूं रसिया यूक्रेन के लोकेशन रसिया यूक्रेन का लोकेशन और साथ ही साथ साथ ही साथ रसिया के प्रमुख यूक्रेन के प्रमुख अभी आपने देखा भी तो रसिया प्रमुख यूक्रेन प्रमुख इर्द गिर्द जो सी है उसका लोकेशन ये काफी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है तो आर्थिक प्रतिबंध आपको पता है रसिया यूक्रेन जो तनाव हुआ था उसके बाद अमेरिका यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने रसिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे इकोनॉमिक सेंशन कहते हैं हम आर्थिक प्रतिबंध को मतलब हम उनके साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे ठीक है हम उन पर कोई अटैक नहीं कर रहे हैं लेकिन हम उनके साथ कोई व्यापार कोई लेन देन का काम ही नहीं करेंगे जिससे उसकी देश की अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से नष्ट हो जाएगी अब व्यापार होगा तभी तो पैसा आएगा लेकिन व्यापार ही नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा तो आर्थिक सेंशन में व्यापार नहीं होता ट्रेडिंग नहीं की जाती कोई भी इकोनॉमिक समझौता नहीं किया जाता तो उससे क्या होगा आपकी देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी तो यही किया गया है ठीक है अब इस ये रसिया के साथ किया गया है कोई भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेन देन नहीं कर पाएंगे उनसे उनके निर्यात आयात सब पर फर्क पड़ेगा भारत और किस देश के बीच पच्चीस फरवरी दो को क्या हुआ राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगों का अनावरण किया गया लोगो ठीक है ये जो लोगो आपको दिख रहा है ये वाला लोगो ठीक है तो विशेष लोगों का अनावरण किया गया है ये किस देश के संदर्भ में है भारत और बेल्जियम बेल्जियम के साथ भारत का डिप्लोमेसिक रिलेशन के पचहत्तर साल पूरे हो गए पचहत्तर साल और इस पचहत्तर साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक लोगो का अनावरण किया गया अब इस लोगो में क्या है इस लोगो में एक मोर है मोर क्या है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है ठीक है तो बेल्जियम के साथ द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने वाले देशों में भारत काफी अग्रणी रहा है और इसीलिए आप देख सकते हैं कि सेवेंटी फाइव का डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भारत और बेल्जियम के बीच स्थापित हो गया है ठीक है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के देशव्यापी कार्यान्वयन को मंजूरी दी है जिसमें पांच वर्ष के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है तो पांच वर्ष के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी गई है अब इसमें पांच वर्ष के लिए कितना पैसा जो है वो आवंटित किया गया है सोलह नंबर सवाल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सोलह सौ करोड़ सवाल भी सोलह नंबर का है और करेक्ट आंसर भी सोलह करोड़ ही है ठीक है तो आप ध्यान दीजिएगा करेक्ट आंसर बी सोलह करोड़ तो सोलह करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान दिया गया है अब इस मिशन के तहत होगा क्या आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत होगा क्या जो भी नागरिक है अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता इसमें उनको मिलेगा स्वास्थ्य खाता संख्या तो जिस तरह से बैंक का अकाउंट नंबर होता है उसी प्रकार से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या उनके पास होगा जिससे उनके डिजिटल जो भी स्वास्थ्य रिकॉर्ड है जैसे ही वो खाता खुलेगा तो जितना भी उनका स्वास्थ्य का रिकॉर्ड है जितना भी उनका हेल्थ रिलेटेड डेटाज है सभी एक साथ खुल जाएगा ठीक है तो इससे फायदा क्या होगा कि कहीं पर भी मान लीजिए हम गए तो अब उस उस डॉक्टर के पास उसका रिपोर्ट उस डॉक्टर के पास उसका रिपोर्ट दिखाना पड़ता है वो लोग मांगते हैं रिपोर्ट तो आप क्या कर सकते हैं एक ही आपके पास अकाउंट नंबर होगा जिसको कोई खोलेगा तो पूरा आपका हेल्थ डिटेल कि आपको एक साल पहले या छह महीने पहले क्या क्या हुआ था पूरा डिटेल एक जगह पर ही मिल जाएगा Osionfish. तो इस कारण से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है सोलह सौ करोड़ रुपए हाल ही में किस भारतीय बैंक ने प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यमों के जरिए भुगतान पर रोक लगा दी है तो कौन सा रूसी संस्थान है भारतीय बैंक ने प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यमों के जरिए भुगतान पर रोक लगा दी है तो किस भारतीय बैंक ने ऐसा किया है करेक्ट आंसर है एस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो रूसी संस्थान है जिनको बैन किया गया है उस पर रोक लगा दी है उसके लेन देन को बंद कर दिया है तो स्टेट बैंक ने किस किसके संदर्भ में आप इसको समझ सकते हैं रूस और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसके बाद पश्चिमी देशों के द्वारा रूस की कई संस्थानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उसके बाद एस ने उन संस्थानों के साथ लेन देन पर क्या कर दिया है प्रतिबंध लगा दिया है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी एस बी आई किस आई की तरफ से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ये पूर्व महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है तो किस आईआईटी की तरफ से ऐसा हुआ है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के पूर्व महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है तो क्या हो जाएगा आईआईटी रुड़की तो ए आईआईटी रुड़की इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो आईआईटी रुड़की की तरफ से नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के पूर्व महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है ये जो सवाल है ये सवाल में ही बहुत बार आंसर भी छिपा होता है ठीक है अब ये किस लिए दिया जाता है ये पुरस्कार जो पुरस्कार राजीव रंजन मिश्र जी को मिला है तो ये गंगा से संबंधित आप क्या कर रहे हैं पुनरोद्धार गंगा पुनरुद्धार के संबंध में क्या क्या किया होगा आपने चाहे तो आपने वैज्ञानिक कुछ क्षेत्र में अतुलनीय प्रयास किया होगा चाहे सामाजिक क्षेत्र में किया होगा चाहे पर्यावरणीय क्षेत्र में किया होगा चाहे आर्थिक क्षेत्र में कुछ अच्छा प्रयास किया होगा और इसके कारण ही राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार हर वर्ष दिया जाने वाला पुरस्कार है तो हर वर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है ऐसा नहीं है कि किस किसी एक ही वर्ष यह पुरस्कार मिलता है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार यूट्यूब की वीडियो के जरिए देश को कितने करोड़ रुपए की कमाई कराई है तो यूट्यूब से वीडियो के जरिए देश को कितने करोड़ रुपए की कमाई हुई है ऐसा ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स बताता है आप देख सकते हैं यूट्यूब से कितना कमाई होता है पूरे देश में कितना हुआ है अड़सठ करोड़ रुपए 6800 करोड़ रुपए यूट्यूब ने पूरे देश को मतलब अपने देश को इकोनॉमिक्स ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश को यूट्यूब से ये कमाई हुई है तो करेक्ट आंसर है 6800 करोड़ ठीक है सिक्सटी एट हंड्रेड करोड़ निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी सौ टेस्ट मैच खेलने वाला देश का बारहवा खिलाड़ी बन गया है तो कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो 100 टेस्ट मैच खेलने वाला बारहवा खिलाड़ी बन गया है बताइए कौन बताएंगे किसी को याद है सिंपल है भाई कौन है विराट कोहली कौन है विराट कोहली तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए विराट कोहली तो 100 टेस्ट मैच खेलने वाले विराट कोहली ये बन गए हैं विराट से पहले सचिन तेंदुलकर राहुल द्रविड वीरेंद्र सहवाग और उसको मिलाकर टोटल अगर देखा जाए तो 11 भारतीय भारतीय खिलाड़ियों ने यह कारनामा पहले ही कर दिया है ठीक है हालांकि 200 टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड किसके पास है सचिन तेंदुलकर के पास है और एक टेस्ट खेलने का रिकॉर्ड राहुल द्रविड के पास है चलिए किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है तो कौन सा ऐसा राज्य सरकार है जिसने ऊंट उट संरक्षण को संरक्षित किया जाए उनका डेवलपमेंट किया जाए इसको लेकर घोषणा की है इसको लागू करने की घोषणा की है सीधा सा आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार क्या है बिल्कुल अगर आप गेस भी करेंगे तो करेक्ट आंसर आप निकाल ले जाएंगे राजस्थान सरकार ने ऊंट संरक्षण नीति और उनके उनके, उनके संरक्षण के साथ साथ उनके विकास के लिए भी नीति बनाने की घोषणा की है राजस्थान स, राजस्थान को ही अगर आप न कंसिडर करते हुए अगर पूरे देश में अगर आप सोचते हैं तो ऊंटों की संख्या लगातार कम हो रही है ठीक है और मेघालय जैसे राज्य में एक भी ऊंट अब नहीं बचा है राजस्थान के, के लिए अगर सोचें तो ऊंट राजस्थान का राज्य पशु है और थार रेगिस्तान वाले थार रेगिस्तान वाले राजस्थान को क्या कहते हैं हम लोग ऊंटों का घर तो थार रेगिस्तान को ऊंटों का घर भी कहा जाता है और फिलहाल अभी एक भी ऊंट मेघालय जैसे राज्य में नहीं बची है और राजस्थान से भी लगातार कम होती चली जा रही है तो इसी के संरक्षण और उनके विकास के लिए ऊंट संरक्षण नीति को लागू करने की घोषणा राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है कि वह ऊंट संरक्षण व विकास नीति को लागू करेगा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है तो 4 मार्च को हम राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं नेशनल सिक सेफ्टी डे 4 मार्च को मनाया जाता है इस इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है दुर्घटना से होने वाले जो भी समस्याएं हैं उससे होने वाले उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना मतलब दुर्घटना होने न देना एक्सीडेंट होने न देना और किस प्रकार से एक्सीडेंट नहीं हो सकता है क्या सेफ्टी मेजर्स आप अपना सकते हैं क्या सुरक्षा उपाय आपके पास उपलब्ध हो सकता है इस सभी मामले के जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है यह दिवस पहली बार 1972 4 मार्च उन्नीस को सबसे पहली बार मनाया गया था ठीक है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज का चौहत्तर वर्ष की उम्र में निधन हो गया है तो कौन ऐसे बल्लेबाज है पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज है जिनका चौहत्तर वर्ष की उम्र में निधन हो गया करेक्ट आंसर है रॉड मार्स क्या है रॉड मार्स इनका 74 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया ठीक है तो ये सिंपल सवाल है पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन्नार की खाड़ी पाक की खाड़ी में डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व को स्थापित करने का निर्णय लिया है तो डुगोंग जो समुद्री काय के रूप में भी जाना जाता है तो किस राज्य सरकार ने मन्नार की खाड़ी पाक की खाड़ी डुगोंग पाक की खाड़ी में डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व या ध्यान दीजिएगा उसकी स्थापना का निर्णय लिया है बिल्कुल अच्छा सवाल है क्या आंसर हो जाएगा तमिलनाडु बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है डुगोंग के संरक्षण के लिए पहला संरक्षण रिजर्व पहला संरक्षण रिजर्व कौन बना रहा है तमिलनाडु ये ध्यान दीजिएगा इससे सवाल पूछ सकता है पहला संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु बना रहा है तो इस पर ध्यान दीजिएगा ठीक है तो तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो डुगोंग जो है वो समुद्री घास खाता है ये आपको पता है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने निम्न में से किस अभिनेत्री को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किस अभिनेत्री को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है पच्चीसवें नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा विद्या बालन क्या हो जाएगा विद्या बालन आज हम लोग लास्ट सिक्स मंथ के पूरे करंट अफेयर्स को एक ही वीडियो में कवर करेंगे ये एक वीडियो आप एग्जाम के पहले रिवाइज कर लीजिएगा इसके अलावा आपको कुछ भी रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं रहेगी एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है यहीं से सीधा सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए विद्या बालन तो विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसिडर नियुक्त किया है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसिडर इनको नियुक्त किया गया है और ये जो क्या करने वाली है ये जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का एक टैगलाइन है डू द स्मार्ट थिंग चैंपियन उसको ये क्या करेंगी बढ़ावा देंगी तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की डू द स्मार्ट थिंग चैंपियन को ये बढ़ावा देंगी ठीक है निम्न से कौन सा खिलाड़ी पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़कर टेस्ट में विकेट लेने वालों के मामले में दूसरा भारतीय बॉलर बन गया है तो विकेट लेने के मामलों में दूसरा भारतीय बॉलर कौन बन गया है आर अश्विन 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 रविचंद्रन रविचंद्रन करेक्ट आंसर है बिल्कुल अच्छे ढंग से इसको ध्यान दीजिएगा तो ये टेस्ट मैच में अगर देखा जाए तो कपिल देव का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ लिया है और 435 विकेट ले लिया 435 विकेट कपिल देव के पास चार विकेट का जो है वो कपिल देव ने चार लिया था इन्होंने चार ले लिया और अगर देखिएगा तो अश्विन भारत के दूसरे सफल गेंदबाज बन गए हैं लेग स्पिनर अनिल कुंबले भारत के सबसे सफल गेंदबाज हैं और उन्होंने तो 619 विकेट झटका है वो तो 619 विकेट है अगला सवाल है किस राज्य सरकार ने प्रीमियर लीग प्राइमरी स्टार्स परियोजना के तहत खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ साझेदारी की है तो खेल शिक्षा इत्यादि को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने किसके साथ साझेदारी की है ब्रिटिश ब्रिटिश काउंसिल काउंसिल के साथ साझेदारी आप का नाम होंगे वो अंग्रेजी जो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स वगैरह भी है वो भी ब्रिटिश काउंसिल कराता है दिल्ली में यहां पर करोल बाग में है तो 27 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दिल्ली दिल्ली सरकार ने तो ये दिल्ली सरकार ने खेल और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है खेल और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने ब्रिटिश काउंसिल के साथ एक तरह से माउस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर आप कहें तो एक तरह से साझेदारी की घोषणा की है ठीक है अब देखिए यह प्रोजेक्ट एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए फुटबॉल के बेस्ट प्रैक्टिसेस की समझ बढ़ाने के साथ साथ, साथ स्कूल के कोचों और टीचर्स को प्रशिक्षित करता है ठीक है तो वही मैंने आपको बात कहा कि खेल शिक्षा को बढ़ाने के लिए जैसे आपने इसमें कहा गया है कि फुटबॉल के बेस्ट प्रैक्टिस को बढ़ाएगा अब इसके लिए क्या होगा इसके लिए स्टूडेंट के साथ साथ आप ध्यान सोच, ध्यान सोच से सोचेंगे तो कोच और टीचर्स को भी ट्रेंड करना पड़ेगा तो इस संदर्भ में ब्रिटिश काउंसिल जो है वो दिल्ली सरकार की मदद करेगा फिलिस्तीन में हाल ही में भारत के किस राजदूत का निधन हो गया बहुत बढ़िया सवाल है कि फिलिस्तीन में कौन सा ऐसा भारतीय थे भारतीय राजदूत थे उनका निधन हो गया यह सवाल बहुत अच्छा है करेक्ट आंसर क्या है मुकुल आर्य फिलिस्तीन में ये भारतीय राजदूत हैं और इन्हीं का अभी निधन हो गया तो नाम ध्यान रखेंगे बस नाम से ही सवाल आपसे पूछेगा ठीक है तो 2008 बैच के ये आईएफएस अधिकारी थे और वो हालांकि ये तो फिलिस्तीन में है वैसे वो मॉस्को वगैरह में रसिया में भी इन्होंने सेवा दी थी मॉस्को के भारतीय दूतावास में भी ये शामिल थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जे से इन्होंने क्या किया है जे से इन्होंने अर्थशास्त्र की पढ़ाई की है जन औषधि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है जन औषधि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है सात मार्च को जन औषधि दिवस निम्न में से सात मार्च को हम मनाते हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा सात मार्च ठीक तो है इस दिन का उद्देश्य क्या है स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना देश देश पूरे के के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना जो जेनरिक मेडिसिन होता है जिसका दाम कम होता है और वो काफी किफायती होता है मतलब अफोर्डेबल रेट्स में होता है लेकिन काम वैसा ही करता है जैसा आपका नॉर्मल दवा करता है तो जेनरिक दवा से हालांकि लोगों को डर लगता है लगता है कि यार ये काम नहीं करेगा ज्यादा पैसा लगाकर इंग्लिश दवाइयां ही खरीदो लेकिन जेनरिक मेडिसिन भी काफी अच्छे होते हैं काफी किफायती होते हैं और सेम तरीके से काम करते हैं जैसे इंग्लिश दवाइयां करती हैं तो उसके विषय में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है स्वास्थ्य सेवा के संदर्भ में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है ठीक है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सात मार्च हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस दिग्गज स्पिनर का बावन वर्ष की उम्र में निधन हो गया तो कौन से ऐसे दिग्गज स्पिनर हैं जिनका बावन वर्ष की उम्र में निधन हो गया है बिल्कुल सही आंसर है सीन वॉर्न बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है तो सीन वॉर्न का बावन वर्ष की उम्र में निधन हो गया और आपको पता है राजस्थान रॉयल्स के लिए भी खेलते थे वो आईपीएल में तो वो सबसे आप समझ सकते हैं कि सबसे महान गेंदबाज दुनिया के सर्वकालिक महान गेंदबाजों में शामिल थे ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज सेन वार्न वो बावन साल के थे और सोच सकते हैं कि लगभग उन्होंने विकेट विकेट लिया है, 10 विकेट भी 10 पारियों में हासिल किया है तो दस दस विकेट लेने का रिकॉर्ड इनके पास था इंटरनेशनल क्रिकेट में ओडीआई में दो सौ विकेट लिया था जेट एयरवेज के सीईओ निम्न में से कौन बन गए हैं तो जेट एयरवेज के सीईओ निम्न में से कौन बने हैं बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा राजीव अग्निहोत्री तो राजीव अग्निहोत्री जेट एयरवेज के सॉरी राजीव अग्निहोत्री कह रहा संजय कपूर संजय कपूर जो है वो जेट एयरवेज के सीईओ बन गए हैं तो जेट एयरवेज आपको पता है फ्लाइट वाला है तो इस इनका नाम जो है वो काफी चर्चा में था ठीक है वैसे आप अग्निहोत्री साहब का भी नाम काफी चर्चा में है लेकिन संजीव कपूर ने अभी जेट एयरवेज के सीईओ के तौर पर ज्वाइन किया है संजीव कपूर का नाम जेट एयरवे जब जब के जब सीईओ ये बनाए गए थे उसके बाद से काफी फेमस हो रहा था तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी संजीव कपूर तो यहां राजीव अग्निहोत्री मत मार लीजिएगा यहां पर क्या बोलिएगा संजीव कपूर ठीक राजीव अग्निहोत्री से संबंधित फैक्ट आगे बताते हैं क्या है दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण टी टी का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है टी डी एस टी का नया अध्यक्ष कौन बनाया गया है बत्तीसवा नंबर सवाल न्यायमूर्ति डी एन पटेल का क्या हो जाएगा ए तो न्यायमूर्ति डी एन पटेल ठीक है तो केंद्र सरकार ने ये दिल्ली हाईकोर्ट के ये चीफ जस्टिस हैं और उनको उनकी सेनावृत्ति से पहले जब उन, उन रिटायर करने वाले थे उससे कुछ दिन पहले ही दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण TDSAT का अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है तो ध्यान में रखिएगा दूर संचार से संबंधित कोई भी अगर विवाद होता है मान लो दो कंपनियों के बीच विवाद हुआ तो विवाद के लिए फिर अपील कहीं पर होगा तो उस अपील के जहां पर अपील किया जाएगा वही के ये अध्यक्ष हैं TDSAT तो दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का बानवे वर्ष की उम्र में निधन हो गया थर्टी थ्री नंबर सवाल तो पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का बानवे साल की उम्र में निधन हो गया है रफीक तरार क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका रफीक तरार का बानवे वर्ष की उम्र में निधन हो गया है तो यह नाम ध्यान रखिएगा वे उन्नीस से लेकर 2001 तक देश के राष्ट्रपति रहे थे रफीक तरार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है आठ मार्च को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आठ मार्च को मनाया जाता है बिल्कुल ध्यान में रखेंगे तो महिला महिला जो इस दिवस है इसमें क्या होता है महिलाओं की उपलब्धि उनके जज्बे और उनकी ऐतिहासिक यात्रा और उनके जीवन को याद करना है महिला सशक्तिकरण के दिशा में ये एक महत्वपूर्ण दिवस आप इसको समझ सकते हैं कि महिलाओं ने आज तक क्या अचीव किया है उनका जज्बा उनकी पूरी ऐतिहासिक यात्रा इन सभी को इस दिन याद किया जाता है इस बार हर बार एक थीम पर बेस्ड होता है इस बार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस दो का थीम क्या था जेंडर इक्वेलिटी टूडे फॉर सस्टेनेबल टूमारो यानी अगर हम आज जेंडर इक्वलिटी करते हैं आज पुरुषों और महिलाओं के बीच समान व्यवहार रखते हैं लैंगिक समानता रखते हैं, तो हमारा भविष्य जो है वो काफी सुनहरा होगा, होगा, काफी होगा। अगर देखा तो पहली बार महिला दिवस कब मनाया गया सबसे पहली बार साल 1911 में साल 1911 में केंद्र ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना को जारी रखने के लिए कितने करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी प्रदान कर दी है स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना को जारी रखने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है तो कितना हो जाएगा बत्तीस सौ चौहत्तर दशमलव आठ सात करोड़ रुपीस तो डी बत्तीस सौ चौहत्तर दशमलव आठ सात करोड़ रुपीज इतने रूपीज को स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के लिए आवंटित कर दिया गया है तो करेक्ट आंसर डी बत्तीस सौ चौहत्तर पॉइंट आठ सात रुपीज अब देखिए इस योजना के तहत होगा क्या जो स्वतंत्रता सेनानी थे और साथ ही साथ जो उनके आश्रित हैं स्वतंत्रता सेनानी और उनके आश्रित उनको क्या मिलेगा ये क्या हुआ उनको यहां पर पेंशन लाभ दिया जाएगा 2025-26 तक पेंशन और अन्य जो भी वित्तीय लाभ है वो उनको प्रदान किया जाएगा जिससे लगभग लगभग साढ़े तेईस हजार लोग इससे लाभ लेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी बत्तीस सौ चौहत्तर दशमलव आठ सात करोड़ रुपीज टास्क फोर्स ने इस बार किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है तो एफ एफ का नाम आता है तो वैसे ही आप समझ सकते हैं तो देखिए जो टेररिस्ट हैं उनको फिनांस करने के लिए ब्लैक मनी का धंधा स्टार्ट करने के लिए तो ये सब कामों के चलते जो है वो एफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो सेंक्शन लगाता है और अलग अलग देशों को अलग अलग लिस्ट में शामिल करता है तो पाकिस्तान को इसमें ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया है तो साथ आपने मैंने आपको बताया पाकिस्तान इसमें आतंकवादियों के वित्त पोषण मनी लॉन्ड्रिंग ठीक है ब्लैक मनी को बढ़ावा दिया जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग किया जा रहा है इस चीज को बढ़ावा देने के लिए ही इस चीज को रोकने में असफल रहने के कारण ही क्या किया गया है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है और इस बार संयुक्त अरब अमीरात को भी ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है पाकिस्तान तो 2018 से ही ग्रे लिस्ट में है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बोर्ड के सदस्य किस बोर्ड के सदस्य के चयन हेतु एक नया मानदंड अपनाने का फैसला किया है तो कौन सा ऐसा बोर्ड है उसके सिलेक्शन के लिए एक नए पैरामीटर्स की तरफ जो है वो गया है केंद्र सरकार किस बोर्ड के सदस्यों के चयन हेतु एक नए मानदंड को अपनाने का प्रयास कर रही है या फैसला की है नंबर सवाल क्या हो जाएगा? भाखड़ा प्रयास प्रबंधन बोर्ड भाखड़ा प्रयास प्रबंधन बोर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड तो इसी के चलते इन सद इनकी इन जो ये भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड है इनके सदस्यों के चयन के लिए एक नए मानदंड को अपनाने का फैसला किया गया है भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की उत्पत्ति कब हुई यह भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल संधि हुई थी उस संधि के तहत ही भारत भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की उत्पत्ति हुई है 1960 में। ठीक, तो यह ध्यान में रखना है वैसे सिंधु जल संधि में क्या क्या बात है तो तीन जो ईस्टर्न रिवर है पूर्वी साइड की रिवर है जिसमें नाम है रावी व्यास और सतलुज उन तीनों का पानी विशेष उपयोग हेतु भारत को दिया गया और सिंधु चिनाब और झेलम इनका पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया तो रावी व्यास और सतलुज का पानी किसको दिया गया भारत को और सिंधु चिनाब और झेलम का पाकिस्तान को यह सिंधु नदी जल समझौता है यूट्यूब के बढ़ते क्रिएटर इकोसिस्टम ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने करोड़ रुपए का उत्पाद जो है योगदान दिया है ये सवाल अभी मैंने बताया था कितने करोड़ रुपए का योगदान मिला है सकल घरेलू उत्पाद में तो अड़सठ सौ करोड़ रुपए का तो यूट्यूब से अड़सठ सौ करोड़ रुपए का लाभ हुआ है अभी ये सवाल हालांकि आया भी था ठीक तो लगभग चौवालीस करोड़ यूजर्स हैं यूट्यूब के भारत में किस देश ने फेसबुक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए देश में फेसबुक पर क्या कर दिया है प्रतिबंध लगा दिया है तो देश में फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है ऐसा कौन सा देश है करेक्ट आंसर क्या है रसिया क्या है रसिया ने फेसबुक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है तो यूजुअली आप देखेंगे कि देश जो है वो पूर्ण प्रतिबंध लगाती है ठीक है अब देखिए फेसबुक ने रूसी मीडिया के साथ क्या किया है भेदभाव किया है और इस भेदभाव के आरोप में क्या है फेसबुक वगैरह सोशल नेटवर्किंग साइट है अब जिसको ये बढ़ावा देना चाहे तो दूसरे देश को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ तो ऐसा लगता है रूस को कि रूसी मीडिया के साथ भेदभाव हुआ है और इसीलिए फेसबुक ने क्या किया है फेसबुक ने यह कोशिश किया है आ, मतलब फेसबुक पर रसिया ने फाइन लगा दिया है ठीक है और उसके बाद ट्विटर पर भी बोल रहा है कि कार्रवाई करेगा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए किस नामक यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो कौन सा यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा चालीसवें नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या है यूपीआई वन टू थ्री पे ठीक है UPI वन टू थ्री पे तो जो फीचर फोन होता है ना नॉर्मल जो की पैड वाला फोन होता है उसके लिए कैसे वो लोग यू पी आई इस्तेमाल करेंगे तो फीचर फोन के लिए UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट के लिए कौन सा तरीका लाया है यू पी आई वन टू थ्री पे जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं उनके लिए तो आसानी है लेकिन बाद बाकी जो फीचर फोन वाले व्यक्ति हैं वो कैसे लेन देन करेंगे यूपीआई के माध्यम से तो उसके लिए यूपीआई वन टू थ्री पे जो एक तरह से पेमेंट प्रोडक्ट है उसको लॉन्च किया है ठीक है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर कितनी महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया है तो कितनी महिला है जिनको नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है इकतालीस नंबर सवाल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी इकतालीस नंबर सवाल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी तीस महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वही है तो महिलाओं का योगदान अतुलनीय है तो महिलाओं के सशक्तिकरण में उत्कृष्ट योगदान करने वाली उनतीस महिलाओं को 2020 और 21 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो इन महिलाओं ने विशेष तौर पर किस क्षेत्र में काम किया है महिलाओं के उत्थान करने के क्षेत्र में इन महिलाओं ने महिलाओं के सशक्तिकरण के दिशा में एक बेहद अच्छा प्रयास किया है और जिसके कारण ही इनको नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार दिया गया नारी शक्ति पुरस्कार केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 33 प्रतिशत सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है तो 33 परसेंट सरकारी नौकरी में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा ऐसी घोषणा की है किस राज्य के लिए त्रिपुरा त्रिपुरा के लिए तो ए त्रिपुरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो त्रिपुरा राज्य के लिए केंद्रीय मंत्री केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है 33 ठीक है किस देश ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर टू तो कौन सा ऐसा देश है जिन्होंने पिछली की पृथ्वी की निचली कक्षा में दूसरा उपग्रह नूर टू को प्रक्षेपित किया है तो कौन सा ऐसा देश है भाई नूर टू को नाम से ही आप पकड़ सकते हैं ईरान क्या है ईरान तो नूर टू को प्रक्षेपित करने का काम ईरान का है और यह कहां पर प्रक्षेपित किया गया है पृथ्वी की निचली कक्षा में नूर का मतलब क्या होता है रोशनी रोशनी ये नूर टू है इसके पहले नूर वन था या नूर जिसको कहा जाता है वो 2020 में प्रक्षेपित किया गया था ठीक है अब आगे चलते हैं फिनाशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के साथ किस नए देश को शामिल किया गया है यह मैंने आपको अभी ही सवाल में बताया कि पाकिस्तान को तो शामिल किया ही गया है पाकिस्तान के साथ दूसरे देश भी हैं जिनको इसमें शामिल कर दिया गया है वो देश कौन सा है बताइए पाकिस्तान के अलावा कौन सा देश है जिसको इसमें शामिल किया गया है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा चौवालीस का यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तो यूएई को भी इसमें शामिल कर दिया गया है ठीक है तो यूएई यहां पर टेरर फंडिंग के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अगर सरकार कोई काम नहीं करती है तो उसके बाद जो है वो उनको फिनांशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा लिस्ट में अलग अलग लिस्टों में शामिल किया जाता है जिसमें ग्रे लिस्ट में ये लोग शामिल हैं नो स्मोकिंग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है नो स्मोकिंग डे जिस दिन कोई स्मोकिंग आप नहीं करेंगे तो पूरे विश्व में स्मोकिंग को लेकर कि ये स्मोकिंग नहीं करना चाहिए ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है तो यह मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है तो सेकेंड वेडनसडे ऑफ मार्च तो यह मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है ठीक है हाल ही में किस देश ने रूस से तेल गैस और कोयले के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है तो हाल ही में कौन सा ऐसा देश है जिसने रसिया से तेल गैस और कोयला आयात नहीं होगा इस पर प्रतिबंध लगा दिया है सिंपल सवाल है कौन कर सकता है अमेरिका ठीक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने तेल हो गैस हो कोयला हो इन सब के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है तेल गैस कोयला क्यों रसिया यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर तो रूस यूक्रेन तनाव उसके मद्देनजर ऐसा किया है किस राज्य में मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में गेंडो और बाघों की आबादी में तेजी वृद्धि देखी गई है तो यहाँ पर सवाल सीधा आपसे ये है एक तो इंफॉर्मेशन है कि यहां पर गेंडो और बाघों की संख्या में बढ़ोतरी मिली है एक तो ये इंफॉर्मेशन है और दूसरा इंफॉर्मेशन इसमें ये है सिंपल सा कि मानव नेशनल पार्क कहां पर है मतलब मानस नेशनल पार्क कहां पर स्थित है तो मानस नेशनल पार्क असम में अवस्थित है तो करेक्ट आंसर है असम ये याद भी रखिएगा ये किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि मानस नेशनल पार्क कहां पर स्थित है अब देखिए 2021 की जनगणना के अनुसार बाघों की जो आबादी है वो 48 से बढ़कर कितनी हो गई है 60, 60 हो गई है तो यही लिखा है ठीक है अब 2010 में ये मात्र 10 थी हरियाणा सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है तो हरियाणा सरकार ने वित्त वर्ष दो हजार के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है एक दशमलव सात सात लाख करोड़ रुपए एक दशमलव सात सात लाख करोड़ रुपए ठीक है? अब देखिएगा थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा महिलाओं को उद्यमी बनाने में प्रोत्साहित करने के लिए कि महिला ज्यादा से ज्यादा ऑनटरप्रोनरशिप की तरफ जाए खुद का अपना धंधा अपना बिजनेस खोले इसके लिए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की भी घोषणा की गई है तो अगर आपसे कोई पूछे कि मातृशक्ति उद्यमिता योजना किस राज्य सरकार की योजना है तो आप कहिएगा यह हरियाणा सरकार की योजना है जिसमें महिलाओं को उद्यमी बनाने पर फोकस किया जाएगा किस राज्य सरकार ने पाल दधवा नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं पाल दधवाओ नरसंहार के सौ साल पूरे करने का श्रेय किसको जा रहा है गुजरात सरकार को तो ए गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो पाल दधवाओ नरसंहार के लिए सौ साल पूरा करने का श्रेय किसको जा रहा है गुजरात सरकार को और माना जाता है कि जो ये नरसंहार है ये जलिया वाला बाघ हत्याकांड जो आपने सुना होगा उससे भी बड़ा एक तरह से ये नरसंहार है तो ये कहां पर हुआ था दधवाओं गांव में हुआ था गुजरात के ठीक है एक हजार लोगों की क्या की थी इसमें अंग्रेजों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के उपलक्ष में भारत का पहला 100 प्रतिशत महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया है तो 100 प्रतिशत वाला औद्योगिक पार्क महिला स्वामित्व मतलब वहां पर मालिकाना हक किसके पास होगा महिलाओं के पास है। वहाँ पर जो किसके पास पास होगा महिलाओं के पास है। तो ये कहां खोला गया है तो ये कहां खोला गया भैया फिफ्टी नंबर सवाल करेक्ट आंसर बताइए सी क्या हो जाएगा हैदराबाद पचासवें नंबर सवाल का करेक्ट आंसर है हैदराबाद तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 का पहला आप सोचिए भारत का पहला 100 प्रतिशत महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क अब देखिए औद्योगिक पार्क कहने का मतलब क्या होता है वहां पर जैसे आप देखते हैं नेशनल पार्क आप नॉर्मल पार्क देखते हैं तो वहां पर आपको वेराइटीज ऑफ पेड़ पौधे मिलते हैं तो जब औद्योगिक पार्क होगा तो वह एक ऐसा पार्क होता है वैसा इलाका होता है जहां पर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है ठीक है जहां पर ऑन्टप्रोनरशिप को बढ़ावा दिया जाता है नवाचार को बढ़ावा दिया जाता है वहां पर उद्योगों को विशेष छूट प्रदान की जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है अब मान लो कि एक छोटे से गांव में आपने उद्योग खोल दिया वहां पर वैसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इंटरनेट नहीं है बिजली नहीं है अब कोई चीज अगर आपको बाहर से मंगवानी है तो उसके लिए सुविधा नहीं है रोड नहीं है लेकिन औद्योगिक पार्क में इन सब सभी सुविधाओं से जो बेसिक आधारभूत संरचना होती है इन सब सभी सुविधाओं को वहां पर प्रदान किया जाता है तो ये पहला स्वामित्व सौ प्रतिशत स्वामित्व वाला औद्योगिक गया है हैदराबाद में किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में अपना पहला स्थान हासिल किया है तो मिशन इंद्रधनुष में फर्स्ट जो रैंक है वो किसको मिला था बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं चलिए, बताएंगे फिफ्टी वन नंबर सवाल तो पचास सवाल तक तो हो गया अब हम लोग इक्यावनवे सवाल में चल रहे हैं तो किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में अब पहला स्थान हासिल किया है उड़ीसा ने किसने किया है उड़ीसा ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल कर लिया है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी उड़ीसा तो आप देखिएगा तो मिश्र इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या था तो एक स्वास्थ्य सेवा पहल है स्वास्थ्य सेवा मतलब स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने का प्रयास इसके माध्यम से किया गया इसको लॉन्च कब किया गया लॉन्चिंग डेट क्या है यह भी ध्यान रखेंगे 25 दिसंबर 2014 ठीक है और यह योजना भारत में नब्बे पूर्ण टीकाकरण कवरेज हासिल करने और 2022 तक इसे बनाए रखने का प्रयास करती है तो पूर्ण टीकाकरण जिससे स्वास्थ्य जो है वो लोगों का ना बिगड़े तो स्वास्थ्य सेवा के, के आप समझ सकते हैं तो ये स्वास्थ्य सेवा के दिशा में या स्वास्थ्य क्षेत्र में ये एक अनोखा पहल है किस आईआईटी संस्था ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है तो कौन सी ऐसी आईआईटी संस्था है जिसने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है क्या नाम है आईआईटी रुड़की क्या नाम है डीआईआईटी आईआईटी रुड़की तो डीआईआईटी आईआईटी रुड़की इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ध्यान दीजिएगा परम गंगा सुपर कंप्यूटर इसको स्थापित किया गया है ठीक है अब इसमें कौन सा मिशन काम करता है आपको पता है सुपर कंप्यूटर वाले में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इसको स्थापित किया गया है ठीक है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन भारत में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति किस राज्य में बन रही है तो शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति किस राज्य में बन रही है बिहार में तो सी बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो बिहार में शयन मुद्रा के में अगर जो अगर बात करें तो भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण हो रहा है यह कहां पर हो रहा है बोध गया में तो बिहार के बोध गया में यह निर्माण हो रहा है ठीक है यह प्रतिमा लगभग तीस फीट ऊंची और सौ फीट लंबी होगी दलित बंधु योजना किस राज्य सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है तो दलित बंधु योजना किस राज्य सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है तेलंगाना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर तेलंगाना सरकार का यह एक प्रमुख कार्यक्रम है नाम है दलित बंधु योजना तो दलित बंधु योजना इसमें क्या है यह प्रति परिवार दस लाख रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दलित परिवारों को सशक्त बनाने का प्रयास करता है उनमें उद्यमिता भावना को बढ़ाने का प्रयास करता है जिससे क्या हो वो लोग स्वरोजगार को बढ़ावा दे स्वरोजगार करें जिससे दूसरे को भी रोजगार मिलेगा जब आप एक बिजनेस खोलते हैं तो और चार पांच लोगों को आप उसमें रोजगार देते हैं तो एक तरह से आप देखिएगा तो दलित परिवारों के उत्थान के लिए उनके कल्याण के लिए यह एक योजना है जिसमें दस लाख रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दलित परिवारों को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए दिया जा रहा है किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व तो योजना की शुरुआत की है तो कौशल्या मातृत्व तो योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई किस राज्य सरकार ने की है छत्तीसगढ़ सरकार. तो सरकार ने तो छत्तीसगढ़ सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत करी है ठीक है तो आप लोगों को क्लैरिटी से दिख रहा है ना स्क्रीन आ? एक बार चेक हो जाना चाहिए स्क्रीन क्लैरिटी से दिख रहा है चलिए तेलंगाना है अगला सवाल ये जो तेलंगाना वाले में अभी अभी तो पीछे चल रहा है थोड़ा सा यूट्यूब पे चलिए आगे चलते हैं छत्तीसगढ़ ठीक है तो कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ अब क्या है इस योजना के तहत काम क्या किया जाएगा तो वैसी महिलाएं जो पुरुषों से पिछड़ रही हैं उसको इसमें दूर करने का प्रयास किया जाएगा और इस योजना के तहत दूसरी बालिका के जन्म पर महिलाओं को पांच हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी तो महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से कम न हो वही इस योजना में ख्याल रखा गया है तो इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य है कि महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से कम न हो देखना कुछ अंतर आया केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसको आप सीआईसएफ कहते हैं उसका स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है 10 मार्च को तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है यह किस मंत्रालय के तहत काम करता है सीआईएसएफ तो सीआईएसएफ गृह मंत्रालय के तहत काम करता है गृह मंत्रालय और इसकी स्थापना उन्नीस सौ में सीआईएसएफ अधिनियम 1968 के तहत की गई थी तो स्थापना हुई कब थी 1969 में एक्ट कौन सा है सीआईएसएफ एक्ट 1968 ठीक है अब देखिएगा इसका काम क्या होता है तो जो भी आपको केंद्र सरकार या फिर सरकारी कारखाने दिखेंगे सरकारी कोई भी यूनिट्स दिखेगा तो वहां पर आपको दिखेगा कि सी जो है वहां उसकी सुरक्षा प्रदान करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 मार्च भारत की निम्न में से कौन सी महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर पहुंच गई है तो भारत की निम्न में से कौन सी महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से ज्वाइंटली जो है वो फर्स्ट रैंक पर पहुंच गई है क्या नाम है झूलन गोस्वामी हाँ ए झूलन गोस्वामी ठीक है तो ए झूलन गोस्वामी नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो कौन सी ऐसी ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता है ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता या एक्टिविस्ट हैं जिनको इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज करेज मतलब साहसी करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है फिफ्टी एट नंबर सवाल भूमिका श्रेष्ठ क्या नाम है भूमिका श्रेष्ठ नाम लिख दिया है रोल सुपीरियर लेकिन लिखेंगे आप लोग भूमिका श्रेष्ठ कोमल त्यागी को लिख दिया है सॉफ्ट सोलिटायर नाम कोमल त्यागी ही होगा ठीक है तो ये ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता का क्या नाम है भूमिका श्रेष्ठ ठीक है तो नहीं ये सम्मान किस लिए दिया गया तो ट्रांसजेंडर या फिर आप कह सकते हैं एलजीबीटी समुदाय के जीवन में सुधार करने की जो उनकी कोशिश थी उस कोशिश के कारण ही काफी अतुलनीय प्रयास उन्होंने किया था और इस कारण से ही यह अवॉर्ड उनको दिया गया इंटरनेशनल विमेन ऑफ करज पुरस्कार 2022 टू ठीक है यह अमेरिकी विदेश विभाग का अगर आप सोचिए तो लगातार दूसरा साल है जब किसी नेपाली नागरिक को यह पुरस्कार दिया गया है पिछले साल किसको दिया गया था मुस्कान खातून को किसको दिया गया था मुस्कान खातून को तो मुस्कान खातून ने किस क्षेत्र में काम किया था तेजाब हमलों के खिलाफ जो उस कदम उठाए थे उसके लिए मुस्कान खातून को यह अवॉर्ड दिया गया था अब जो है इस बार ये भूमिका श्रेष्ठ को दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में विपक्ष के उम्मीदवारों और पूर्व शीर्ष अधिवक्ता यून शुक योल को देश का नया राष्ट्रपति चुने जाने पर उन्हें बधाई दी है बताइए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में विपक्ष के उम्मीदवार और पूर्व शीर्ष अधिवक्ता युन शुक योल को देश का नया राष्ट्रपति तो ये नियुक्तियों पर सवाल है नियुक्तियों पर सवाल है तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका दक्षिण कोरिया क्या होगा दक्षिण कोरिया तो डी दक्षिण कोरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया चलिए तो नियुक्तियों पर है सिंपल सवाल है मार्च 2022 में आयोजित होने वाले क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका अभियान के लिए निम्न में से किसे भारत का प्रतिनिधि चुना गया है तो 2041 क्लाइमेट फोर अंटार्कटिका अभियान के लिए किसे भारत के प्रतिनिधि चुना गया है किसे यह मार्च दो में आयोजित होने वाला था बताइए चलिए लोग ज्यादा हैं लाइक कम है तो एक बार लाइक भी कर दीजिए साठवा नंबर सवाल क्या हो जाएगा आरुषि 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 वर्मा 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 तो बी वर्मा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आरुषि वर्मा तो क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपेडिशन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसको चुना गया है आरुषि वर्मा को ठीक है भारत के निम्न में से किस क्रिकेटर ने काउंटी टीम सक्सेस के लिए खेलने का करार किया है तो काउंटी टीम सक्सेस के लिए खेलने का करार किया है भारत के किस क्रिकेटर के द्वारा ऐसा किया गया है चेतेश्वर पुजारा किसके द्वारा किया गया है चेतेश्वर पुजारा तो सी चेतेश्वर पुजारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी चेतेश्वर पुजारा ठीक है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी यूक्रेन के, के लिए इमरजेंसी फाइनेंसिंग के तहत कितने अरब डॉलर के फंड को मंजूरी प्रदान कर दी है तो आईएमएफ ने भी यूक्रेन के लिए इमरजेंसी फाइनेंसिंग आपको पता है यूक्रेन तनाव के बाद यूक्रेन में भी कुछ क्राइसिस हो गई आर्थिक संकट मटराने लगा तो उसके लिए इमरजेंसी फाइनेंसिंग के तहत कितने अरब डॉलर के फंड को मंजूरी प्रदान कर दी है एक दशमलव चार अरब डॉलर एक दशमलव चार बिलियन डॉलर हाल ही में किस पूर्व भारतीय बॉलर ने घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है तो कौन भारतीय बॉलर है कौन ऐसा भारतीय बॉलर है जिसने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है 63 नंबर सवाल एस श्रीशंत कौन है एस श्रीशंत एस श्रीशंत DTH ब्रांड डी टू एच ने निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है तो डी टू एच ने जो डी टी एच की ब्रांड है डी टू एच उन्होंने किसे भारत का अपना ब्रांड भारतीय किस क्रिकेट भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सिक्सटी फोर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत ए ऋषभ पंत ठीक है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऋषभ पंथ आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने निम्न में से किसे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है तो आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने निम्न में से किसे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है बहुत आसान सवाल है करेक्ट आंसर है फॉफ टिप्लेसिस करेक्ट आंसर है फफ टिप्लेसिस टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर 28 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं तो टेस्ट क्रिकेट में इन लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है कौन बन गए हैं बताइए 66 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या है ऋषभ पंत क्या हो जाएगा ऋषभ पंत तो सी ऋषभ पंत इज अ करेक्ट आंसर ठीक इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके पास था कपिल देव के पास था उन्नीस में कराची में पाकिस्तान के खिलाफ 30 गेंदों में अर्धशतक उन्होंने जड़ा था ठीक है इसके बाद थर्ड नंबर पे कौन आता है पहला तो ऋषभ पंत हो गए सेकंड में कपिल देव थर्ड नंबर पे आता है सरदुल ठाकुर सरदुल ठाकुर एक गेंदों पर इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने अर्धशतक जड़ दिया था ठीक है तो यही वाली बात है अब इन लोगों ने ऋषभ पंत ने 28 गेंद पे ही जग दिया है पाई डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है पाई डे तो पाई दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है चौदह मार्च को बी चौदह मार्च इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी चौदह मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है तो पाई आपको पता है आप लोग यूज भी करते होंगे पाई बाईस बटा सात तो यह महत्वपूर्ण एक तरह से गणित का चीज है भौतिकी का मतलब फिजिक्स का चीज है ठीक है तो गणित के प्रति उत्साह के लिए इस दिवस को मनाया जाता है उत्साह बढ़ावा देने के लिए रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह अब निम्न में से किसे लॉन्च करने की घोषणा की है तो रिलायंस जो है बिग बाजार को लेने वाली थी अब उसने किसे लॉन्च करने की घोषणा की है स्मार्ट बाजार क्या नाम है स्मार्ट बाजार तो स्मार्ट बाजार तो जहां पर भी फ्यूचर ग्रुप के बिग बाजार का आउटलेट का संचालन किया जाता था उसी जगह पर अब उसका नाम क्या है स्मार्ट स्मार्ट बाजार बाजार किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है किस राज्य सरकार ने पहली बार अपना जो वार्षिक वित्तीय योजना है उस संदर्भ में देखा जाए उसके हिस्से में देखा जाए तो बाल बजट पेश किया है किस राज्य सरकार ने एम मध्य प्रदेश सरकार ने एमपी की सरकार ने बाल बजट घोषित किया है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है तो अब देखिए बाल बजट से फायदा क्या होगा तो बच्चों के समग्र विकास में यह हेल्प करेगा तो बच्चों के लिए ही स्पेशली इसमें कुछ पैसे आवंटित किए जाएंगे और ऐसा करने वाला कौन बन गया है मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश बना है ठीक है अमेरिका ने हाल ही में किस देश से सभी तेल और गैस आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है अभी बताया भी रशिया से रशिया से तो ये रिपीटेड सवाल है विश्व बैंक ने किस राज्य में गरीब और कमजोर समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंचने में मदद करने के प्रयासों का समर्थन करने हेतु तो 125 मिलियन डॉलर के लोन की पेशकश की है तो सामाजिक सुरक्षा सेवा तक सभी लोगों गरीब और कमजोर समूह के जितने लोग हैं सब उस तक पहुंच पाए इसके लिए 125 मिलियन डॉलर लोन की पेशकश किस किस की है? तो विश्व बैंक के किया गया है लेकिन किस देश के लिए किया गया है यह है पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का डी पश्चिम बंगाल तो 71 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं किस राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है तो सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा क्या होगा? सरकार के द्वारा सुषमा स्वराज अवॉर्ड की घोषणा की गई है चलिए अब क्या है सुषमा स्वराज योजना जो अवॉर्ड है वो किसके लिए दिया जाएगा तो महिलाओं का राष्ट्रीय क्षेत्र में या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में उनकी महत्वपूर्ण जो भी उपलब्धि होंगी या योगदान जो भी होगा उसके लिए अवार्ड उनको प्रदान किया जाएगा तो महिलाओं को विशेष तौर पर प्रदान किया जाएगा अगर उन्होंने राष्ट्रीय क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में या अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है तो यह अवार्ड उनको दिया जाएगा तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी हरियाणा बी हरियाणा किस राज्य सरकार ने इस महीने के अंत में अपना वार्षिक बजट में बाहिनी योजना की घोषणा करने करने जा रही है तो वार्षिक बजट में बाहिनी योजना की घोषणा करने जा रही है कौन सी राज्य सरकार है सेवेंटी थ्री नंबर एक साथ दो चैनल पर चल रहा है एक यूट्यूब आई वाले चैनल पर भी चल रहा है एक पीसीएस दोनों चैनल पर चल रहा है अब तो आप लोग कौन वाले में ज्वाइन किए पता नहीं मेरे पास दोनों खुला है तो आप लोग डेली करंट अफेयर्स के लिए भी आइए सुबह आठ बजे डेली करंट अफेयर्स होता है डेली करंट अफेयर्स अगर रिवाइज हो जाएगा ना तो फिर आपका जो ये मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स है इसमें कोई समस्या नहीं आएगी लेकिन सबसे बड़ा इश्यू तो डेली करंट अफेयर्स का ही होता है ठीक है तो बताइए सेवेंटी थ्री नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या है सिक्किम तो बाहिनी योजना की घोषणा किसने की है सिक्किम की सरकार में तो सिक्किम सरकार ने बाहिनी योजना की घोषणा की है अब इसका उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है कि जो भी माध्यमिक स्कूल में या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में जो भी लड़कियां जाती हैं उनको 100 प्रतिशत मुफ्त और सुरक्षित सैनिटरी पैड प्रदान करना तो सैनिटरी पैड प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई वो भी फ्री में जो भी माध्यमिक स्कूल में जाती है या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में जो भी महिलाएं जाती हैं उनको मुफ्त मुफ्त और सेफ सैनिटरी पैड इसमें प्रदान किया जाएगा बाहिनी योजना किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया तो जेंडर संवाद पुरुष और महिलाओं के बीच जो ये भेदभाव है इसको समाप्त किया जाए असमानता के तत्वों को समाप्त किया जाए इसको ध्यान में रखते हुए किस मंत्रालय ने हाल ही में जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया है तो सेवेंटी फोर नंबर सवाल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय तो देखिए जितने भी लोग आई वाले चैनल पर देख रहे हैं अड्डा टू फोर सेवन आई वाले वो अड्डा टू फोर सेवन पी वाले चैनल पर आ जाए ठीक है और वहां पर अगर ये देखते हैं नीचे में ही लिंक होगा पी चैनल का वहां पर आ जाए तो वहां पर हम हम लोग सीधे थोड़ा सा चूंकि आई वाले में थोड़ा सा पीछे चल रहा होगा तो आई पी वाले में जैसे ही आएंगे आप लोग एकदम डायरेक्टली जो है वो मेरे साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ठीक है उसके तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के कितने स्थान पर पहुंच गया है तो भारत का पूंजी बाजार बाजार पूंजीकरण के मामले में इक्विटी बाजार सॉरी इक्विटी मार्केट बाजार मतलब मार्केट कैपिटल के टर्म्स में कितने स्थान पर पहुंच गया है तो हमारा पूंजी बाजार काफी बड़ा होता चला जा रहा है और हम लोग किस स्थान पर है पांचवें स्थान पर फिफ्थ पोजिशन पर तो इक्विटी मार्केट अगर हम मार्केट कैपिटल के बारे में सोचें तो वो पांचवें स्थान पर है दुनिया के पांचवें स्थान पर पहुंच गया है भारत से ऊपर कौन कौन है अमेरिका चीन जापान और हांगकांग इसके बाद जो है वो भारत ही है तो अमेरिका चीन जापान और हांगकॉन्ग के बाद भारत में है 2022 में ही भारत सातवें स्थान पर था लेकिन अभी भारत जो है वो पांचवें स्थान पर चला गया है हालांकि बाजार पुंजीकरण में गिरावट हुई लेकिन फिर भी भारत जो है वो ऊपर चला गया क्योंकि और जो इससे ऊपर वाले देश थे उनकी गिरावट ज़्यादा हो गई तो भारत फिर भी ऊपर चला गया तो भारत का बाजार पुंजीकरण अगर इक्विटी मार्केट में देखा जाए तो लगभग तीन दशमलव दो वन ट्रिलियन डॉलर है तीन दशमलव दो वन ट्रिलियन डॉलर देवाशीष पांडा को कितने साल के कार्यकाल के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है तो देवाशीष पांडा को कितने साल के लिए कितने साल के कार्यकाल के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण जिसको आप इन कहते हैं उसके नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है पचहत्तरवा नंबर सवाल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सात साल सेवन ईयर्स के लिए ठीक है सेवन ईयर्स के लिए टलिन कैटलिन नोवाक को किस देश की सेवन ईयर्स बोल दिया तीन ईयर्स है वो कैटलिन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है अरे यार ये इधर उधर हो रहा है बहुत एक मिनट कैटलिन नोवाक को किस देश की हाँ बिल्कुल मैंने बोल तो दिया तीन साल तीन साल ही है वो सात साल निकल गया टलिन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है सेवेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है हंगरी सेवेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हंगरी तो कैटलिन नोवाक को किस देश की पहली महिला हंगरी की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट ने किसको उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है तो उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है ए के सिकरी सिकरी। सिकरी। तो नंबर सवाल देखिए मैंने ये टिक यहां पर लगा दिया था यहां टिक होता वो वही मैं बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूं ये तीन साल होगा सात साल के लिए किसी को थोड़ा नियुक्त किया जाता है दिमाग लगाने का थोड़ा सा माइंड लगाने का ठीक है चलो आगे चलो भारत ने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने का फैसला किया है hmm. तो भारत ने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने का फैसला किया है अस्थायी रूप से कहां पर क्योंकि यूक्रेन रशिया यूक्रेन वॉर के बाद कहीं कही ना कहीं तो उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा लेकिन वो अस्थायी रूप से परमानेंटली नहीं है तो ये कहां पर करने का फैसला किया है बिल्कुल आसान सवाल है करेक्ट आंसर है इसका पॉलैंड कहां पर पॉलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल भी है क्योंकि भारत ने अस्थायी रूप से हटाने का फैसला किया था और उसको पोलैंड ले जाने का फैसला किया था स्थिति चूंकि काफी बिगड़ गई थी इस कारण से क्लाउड सेवाओं को मजबूत करने में जुटी गूगल ने कितने अरब डॉलर के सौदे में साइबर सुरक्षा कंपनी मेडियंट का अधिग्रहण किया है तो साइबर सिक्योरिटी वाली कंपनी है मेडियंट उसका कितने करोड़ में गूगल ने अधिग्रहण किया है मतलब उसको अपने में मिला लिया है कितने करोड़ में बताइए तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर अस्सी नंबर सवाल पांच दशमलव चार अरब डॉलर पांच दशमलव चार अरब डॉलर आईसीसी ने भारत के किस स्टार बल्लेबाज को फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ घोषित किया है तो फरवरी 2022 का पूछ रहा है हालांकि इस तरीके का सवाल आपसे नहीं पूछना चाहिए क्योंकि एक महीना का तारीख दे देगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा तो किसके लिए किया है श्रेयस अय्यर श्रेयस <coughs> अय्यर डी श्रेयस अय्यर को एयर इंडिया का नया चेयरमैन बहुत बढ़िया सवाल है एयर इंडिया का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है नंबर सवाल आंसर क्या होगा? एन चंद्रशेखरन तो एयर इंडिया के नया चेयरमैन के रूप में एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एन चंद्रशेखरन आपने देखा एयर इंडिया का नया चेयरमैन जो है वो इनको नियुक्त किया गया है भारत ने निम्न में से किस देश के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट में दो रनों की रनों से जीत दर्ज करके घर में लगातार पंद्रहवीं टेस्ट सीरीज मतलब इंडिया में पंद्रहवीं टेस्ट सीरीज जीत ली है 238 रनों से यह टेस्ट मैच जीता है किसके खिलाफ श्रीलंका श्रीलंका तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 83 का बी श्रीलंका चीन में भारत के किस नव नियुक्त राजदूत ने अपना पदभार ग्रहण किया है तो चीन में भारत के किस नव नियुक्त राजदूत ने अपना पदभार ग्रहण किया है? करेक्ट आंसर बताएंगे 84 नंबर सवाल करेक्ट आंसर है ए प्रदीप कुमार रावत क्या करेंट आंसर हो जाएगा प्रदीप कुमार रावत तो प्रदीप कुमार रावत ने चीन में भारत के राजदूत के रूप में काम किया है और इन्होंने अपना पदभार 14 मार्च 2022 को संभाल लिया है ठीक है इससे पहले कौन थे विक्रम मिस्त्री नाम क्या था विक्रम मिस्त्री वही इस जिम्मेदारी को निभा रहे थे अब विक्रम मिस्त्री को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया गया है और उनकी जगह पर फिर प्रदीप कुमार रावत आए हैं जो कि भारतीय विदेश सेवा 1990 बैच के अधिकारी हैं ठीक है और इन्होंने इससे पहले नीदरलैंड वगैरह में भी काम किया हुआ है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है आईसीसी की तरफ से फरवरी 2022 के लिए किसे फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ प्रदान किया गया तो आईसीसी आईसीसी की तरफ से किसे फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2022 के लिए प्रदान किया गया है छियासी का करेक्ट आंसर क्या है एमिला कौर करेक्ट आंसर है एमिला कौर न्यूजीलैंड किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प नामक एक विशेष योजना की घोषणा की है मुख्यमंत्री कल्याण प्रकल्प नामक एक विशेष योजना की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है त्रिपुरा सरकार के द्वारा तो त्रिपुरा सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प नामक एक विशेष योजना की घोषणा की है इसका उद्देश्य क्या है जो भी टी टी सेक्टर में जो भी लोग काम करते हैं चाय बागान में जो भी श्रमिक हैं उनके सामाजिक सुरक्षा को क्या करना सुदृढ़ करना, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना तो सात हजार से सात हजार चाय बगान श्रमिक जो है उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और इसके तहत क्या किया जाएगा आवास राशन और वित्तीय सहायता उनको प्रदान की जाएगी जिसमें सपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार और त्रिपुरा सरकार के तहत प्रोवाइड किया जाएगा तो दोनों सरकारें जो है इसमें अपना सपोर्ट देंगी केंद्र सरकार और त्रिपुरा सरकार और दोनों मिलकर चाहे वो हाउस हो चाहे वो राशन हो चाहे वो वित्तीय सहायता हो चाहे बागान श्रमिकों को प्रोवाइड कराया जाएगा और उनको सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी हाल ही में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किए जाने के बाद किस देश ने रूस पर प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और रूसी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं तो रूस द्वारा यूक्रेन के पर आक्रमण किए जाने के बाद रूस पर प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और रूसी बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है नंबर सवाल क्या हो जाएगा अमेरिका ठीक है अमेरिका। तो किसी प्रकार के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ली है किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है पंजाब पंजाब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए पंजाब सिंपल है केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए हाल ही में मार्च 2020 से निलंबित पांच वर्षीय ई पर्यटक वीजा कितने देशों के नागरिकों हेतु तत्कालिक प्रभाव से बहाल कर दिया है तो केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें मार्च 2020 से निलंबित पांच वर्षीय जो ई टूरिस्ट वीजा है कितने देशों के नागरिकों के लिए फिर से जो है इसको स्टार्ट कर दिया है बताइए तो मार्च 2020 से निलंबित था आपको पता है कोरोना के कारण तो अब उसको फिर से कितने देशों के नागरिकों के लिए इसको स्टार्ट कर दिया गया है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एक देशों के नागरिकों के लिए ऐसा किया गया है ठीक है तो आज कितना सवाल करने का इच्छा है पानी देना पानी पानी तो थोड़े करवाएंगे कम से कम ढाई सौ क्या कम से कम ढाई सौ मेरे हिसाब से कम से कम ढाई सौ रहेगा तो सही रहेगा चलिए नब्बे के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। फिर से आ जाइए आप लोग फिर से आ जाइए के बाद आगे बढ़ते हैं सवाल काफी क्लियरली दिख रहा है ना ढाई सौ कोशिश करते हैं ढाई सौ सवाल कराने का कम से कम कितना सवाल ढाई सौ सवाल कराने का प्रयास करते हैं कम से कम ढाई सौ थोड़ा सा लेंस भी गंदा हो जाता है तो लेंस भी साफ कराना पड़ता है चलिए इवनिंग में तो बिहार करेंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा इवनिंग में तो बिहार हो गया क्या हाँ एक 156 हो, हो गया ना चलिए देखिएगा सवाल में ही बहुत बार आंसर भी है ये ध्यान दीजिएगा सवाल में ही आपको आंसर भी मिलेगा ठीक है तो ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने सात साल से अधिक समय पहले पूर्वी यूक्रेन में मलेशियाई एयरलाइंस के विमान एम एच सत्रह को मार गिराने में रूस की कथित भूमिका को लेकर रूस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है तो ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने ऐसा किया है कि सात साल से अधिक समय पहले पूर्वी यूक्रेन में मलेशियाई एयरलाइंस के विमान एमएच सत्रह को मार गिराने में रूस की कथित भूमिका को लेकर रूस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है तो बताएंगे किस देश ने ऐसा किया है कि रूस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा तो पाकिस्तान तो बेचारा कर नहीं पाएगा कौन है नीदरलैंड कौन है नीदरलैंड वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश की कितनी प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है तो वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश की कितने प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए कितने प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तेरह क्या होगा तेरह प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है वन पर्यावरण मंत्रालय ने अब क्या है वानिकी की हस्तक्षेप मतलब वन लगाकर फिर से नदियों को जीवित करने का प्लान किया है तो तेरह प्रमुख नदियों के लिए ऐसा योजना बनाया गया है ठीक है और इसके माध्यम से क्या होगा आप कायाकल्प कर पाएंगे नदियों का कायाकल्प संभव हो पाएगा भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम नाम भी याद रखेंगे एक्वेरियम तो एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है तो भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा नाइनटी थ्री का सी कर्नाटक सी कर्नाटक बस पांच मिनट का ब्रेक देंगे पानी वानी पी लू फिर स्टार्ट करते हैं दो तीन मिनट में चलिए स्टार्ट करें एक्चुअली तो होता क्या है कि सुबह सुबह का क्लास रहे तो थोड़ा नाश्ता वास्ता करना पड़ता है रात में आपको क्या ही बताऊं पूरा इस पूरे इलाके का इलेक्ट्रिसिटी चला गया तीन बजे इलेक्ट्रिसिटी आया है तीन चार बजे और चूंकि चारों तरफ से कैमरा जब घूमेगा तो आपको दिखेगा चारों तरफ से पूरा शीशा ही शीशा लगा हुआ है ठीक है तो वो जब सुबह से रात तक में क्या होता है वो हीट कर जाता है और रात में उसका जो रेडिएशन है वो उस पर आप वो जो है आपको प्रभावित करता है तो जितने भी पिलोज थे जितने भी बेड थे सब पूरा भींग गया तीन बजे जब लाइट आया तभी आदमी सो पाया है और उसके कारण क्या है कि थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ा मॉर्निंग में भी बड़ा दिक्कत हो रहा था कि आप उस समय तक एक बेहतर पढ़ा नहीं पाते हैं जिस समय तक क्या है उस समय तक आप एक बेहतर तरीके से पढ़ा नहीं पाते हैं चलिए आगे बढ़ें नाइन्टी थ्री करेक्ट आंसर क्या है सी कर्नाटक एक्वेरियम लॉन्च किया है कर्नाटक ने ये क्या है डिजिटल वाटर डेटा बैंक ये क्या है ये करता क्या है डिजिटल वाटर डेटा बैंक का मतलब क्या है तो देखिए ये विभिन्न स्थानों से विभिन्न संस्थानों से विभिन्न इंस्टीट्यूशन से जल से संबंधित डेटा को कलेक्ट करता है और पानी के विभिन्न पहलुओं के बारे में आपको जानकारी देता है आपको बताता है जैसे अलग अलग स्थानों से जल से संबंधित डेटा को कलेक्ट किया और बताया कि यह पानी इतना सुरक्षित है इस पानी में ये प्रॉब्लम है इस पानी के लिए यह किया जाना चाहिए तो इस प्रकार से एक जल से संबंधित जो भी विश्वसनीय जानकारी है वो आपको ये प्रोवाइड करता है यही है अगला है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने हेतु इक्कीस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने हेतु तो किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में क्या की है मंजूरी प्रदान की है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 मार्च करेक्ट आंसर फिफ्टींथ मार्च को चलिए तो 15 मार्च को हुआ है मार्च को अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है इस प्रस्ताव को पाकिस्तान द्वारा इस्लामिक सहयोग ने ली जे म्योंग को मामूली वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल की है तो बताइए किस देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव में इकसठ वर्षीय युन शुक योल ने जे म्यूंग को मामूली वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल कर ली है अब आपका ये जो सवाल है इससे ये समझ में आ रहा है कि कौन जो है वो राष्ट्रपति बन गए होंगे तो इस सवाल का सीधा लेना देना नियुक्तियों से भी है 95 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दक्षिण कोरिया क्या हो जाएगा दक्षिण कोरिया वैश्विक रेटिंग एजेंसी मुडीज ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को 9.5 प्रतिशत से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है तो वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने 9.5 प्रतिशत से घटाकर कितना कर दिया है 9.1 पॉइंट वन प्रतिशत नाइन प्रतिशत हाल ही में किस देश के द्वारा यूक्रेन के लिए 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नई सैन्य सहायता की घोषणा की गई है तो किस देश ने यूक्रेन को 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नई सैन्य सहायता की घोषणा की है तो नन अदर देन अमेरिका नन अदर विश्व गौरैया दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है तो मार्च 20 को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है तो गौरैया के प्रति लोगों को जागरूक करने उसके संरक्षण के लिए ये मनाया जाता है बढ़ता हुआ प्रदूषण पॉल्यूशन गौरैया की संख्या में काफी बेहतर ढंग से गिरावट कर रहा है और इनके अस्तित्व के संकट पर भी सवाल खड़े हो गए हैं और इस कारण से लोगों को गौरैया के प्रति जागरूक बनाने के लिए और उसके संरक्षण के लिए विश्व गौरैया दिवस 2022 मनाया गया मतलब मनाया जाता है यूजुअली ये मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम है आई लव स्पैरो आई लव स्पैरो और यह पहली बार 2010 में मनाया गया था तो फर्स्ट टाइम यह 2010 में मनाया गया था <laughs> चलिए अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जिसको कहा जाता है उसकी थीम क्या है 99 नंबर सवाल कौन बताएंगे 99 नंबर सवाल थीम है कि काम स्टे वाइज एंड बी काइंड बिल्कुल काम रहे वाइज रहे और स्टे काइंड स्टे वाइज एंड बी काइंड ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाल ही में भारत और किस देश के बीच छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए तो भारत और किस देश ने छह समझौता छह एग्रीमेंट्स पर सिग्नेचर किए हैं तो भारत और जापान ने भारत और जापान ने छह समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जापान ने साल 2014 में की गई निवेश प्रोत्साहन साझेदारी इन्वेस्टमेंट इनकरेजमेंट जो प्लानिंग थी जो भागीदारी थी जो साझेदारी थी उसमें बीस तीन लाख बीस हजार रुपए करोड़ रुपए के निवेश लक्ष्य की घोषणा की है तो छे आप समझिए छह डिफरेंट एग्रीमेंट्स किए गए छह नए नए क्षेत्रों में एग्रीमेंट्स किए गए अगला सवाल है आयुध निर्माण दिवस क्या है आयुध निर्माण दिवस निम्न में से हर साल किस तारीख को मनाया जाता है तो एक सौ एकवा नंबर सवाल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है भाई देखिए ये मैं 12 जनवरी टिक मार दे रहा हूँ कब मनाया जाता है 18 मार्च को 18 मार्च तो टिक लग गया गलत जगह उसके लिए एकदम बेचैनी की गोटी नहीं खानी है हाल ही में प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब ठीक है मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है कैरोलिना बिलास कैरोलिना बिलवास ने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट 2019 का खिताब भारतीय मूल की जमाइका की टोनी एनसिंग ने जीता था ठीक है तो कैरोलिना बलवाश का किस देश ने वर्ष 2021 में अपनी संचयी स्थापित क्षमता में रिकॉर्ड 10 गीगावाट सौर ऊर्जा में वृद्धि की है तो किस देश ने 10 गीगावाट सौर ऊर्जा में वृद्धि की है बताना है 2021 में करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया सी भारत क्या हो जाएगा सी भारत चौथा है हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है एक नंबर सवाल है कि डीप ओशन मिशन किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है कल्पना चावला की जयंती निम्न में से कब मनाई जाती है तो कल्पना चावला की जयंती निम्न में से सत्रह मार्च को मनाई जाती है तो कल्पना चावला की जयंती निम्नलिखित में से 17 मार्च को मनाई जाती है यह हरियाणा के करनाल में एक पंजाबी हिंदू परिवार में इनका जन्म हुआ था और यह भारतीय मूल की महिला एवं अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली दूसरी भारतीय थी ठीक है चलिए किस देश में 16 मार्च को 7.4 तीव्रता का भीषण भूकंप आया था तो किस देश में 16 मार्च को 7.4 तीव्रता का भीषण भूकंप आया था क्या होगा जापान क्या हो जाएगा जापान किस भारतीय महिला गेंदबाज 200 सौ वनडे मैच खेलने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई हैं? तो कौन सी गेंदबाज हैं जो दूसरी महिला क्रिकेटर भी बन गई? एक सौ चारवा नंबर सवाल करेक्ट आंसर क्या होगा एक सौ सातवां सॉरी एक सौ सातवां नंबर सवाल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा झूलन गोस्वामी क्या होगा झूलन गोस्वामी एक सौ आठवें में आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि जापान अगले पांच वर्षों में भारत में अपने निवेश लक्ष्य को बढ़ाकर कितने लाख करोड़ रुपए कर देगा तो निवेश लक्ष्य को बढ़ाकर कितना बीसीसीआई सचिव जय शाह का एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल बढ़ा दिया गया है वे अब किस साल तक एसीसी के अध्यक्ष बने रहेंगे तो कौन से ईयर तक जय साह ए सी सी के अध्यक्ष बने रहेंगे बताइए एक सौ नौवा करेक्ट आंसर है ईयर 2024। तो ईयर 2024 तक वो बने रहेंगे हर साल वन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है तो अंतरराष्ट्रीय वन दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हर साल 21 मार्च को बनाया जाता है वनों के संरक्षण और वन के प्रति लोगों के मन में जागरूकता पैदा करने के लिए वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है तो पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कुलतार सिंह संधावा को चुना गया है तो कुलतार सिंह संधावा नाम याद रखेंगे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को हाल ही में मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है देखिएगा इस तरह का सवाल परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है पद्म विभूषण किस किस से किया गया है पद्म विभूषण से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को पुरस्कृत किया गया है दिसंबर 2021 में एक हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई विश्व जल दिवस एक नंबर विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 22 मार्च को विश्व जल दिवस जल के प्रति लोगों को जागरूक करने जल संरक्षण के उपायों को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को इसलिए बार्टी ने मात्र 25 साल की उम्र में किस खेल से संन्यास लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है एक सौ चौदहवा नंबर सवाल है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा टेनिस करेक्ट आंसर हो जाएगा टेनिस अगले सवाल की ओर चलते हैं हाल ही में अमेरिका में अमेरिका रहने भारतीय मूल के किस चिकित्सक को व्हाइट हाउस का नया कोविड 19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है 115 नंबर सवाल करेक्ट आंसर हो जाएगा आशीष छा तो हाल ही में अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के किस चिकित्सक को कोविड नाइनटीन का प्रतिक्रिया समन्वयक बनाया गया का का व्हाइट हाउस नंबर सवाल आंसर झा में किस राज्य की विधानसभा पेपरलेस प्रणाली को अपनाने हेतु तो, नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू कर देश की पहली राज्य सभा विध, विध, राज्य विधानसभा बन गई है तो फर्स्ट स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसने पेपरलेस सिस्टम को अपनाया है नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करके तो बताइए एक नंबर सवाल कौन सा करेक्ट आंसर है नागालैंड तो एक नंबर सवाल करेक्ट आंसर नागालैंड तो नागालैंड ने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन इसमें क्या है पेपरलेस पेपरलेस चीजों को बढ़ावा दिया जाता है पेपरलेस चीजों को बढ़ावा देने में किसने तो नागालैंड ने नागालैंड की विधानसभा ने पेपरलेस कार्यप्रणाली को अपनाने हेतु तो, एको अपनाया है और उसके बाद पूरी विधानसभा को पेपरलेस बनाने में सबसे पहला राज्य ये, राज्य विधानसभा ये बना है ठीक है चलिए आगे बढ़े किस राज्य द्वारा 22 मार्च 2022 को अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया गया तो 117 नंबर सवाल किस राज्य द्वारा 22 मार्च 2022 को अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया गया है तो कौन सा राज्य है बिहार करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बिहार 22 मार्च को आपको पता है उड़ीसा सहित उड़ीसा सहित बिहार ठीक है तो 22 मार्च 1912 को ए, बाईस मार्च हालांकि 2020 को ये सोवा है मैं बात एक सौ दसवा है उन्नीस की बात है जब ये विभाजन हुआ बंगाल से बिहार और उड़ीसा का तो और उसे 110 साल के बाद लगभग 2022 ठीक है 110 साल के बाद एक सौ स्थापना दिवस बिहार के द्वारा मनाया गया है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश निम्न में से कौन है सबसे प्रदूषित देश निम्न में से कौन है बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश विश्व का बांग्लादेश है ठीक है तो बांग्लादेश दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में आप समझ सकते हैं कि यह सबसे पहले स्थान पर है तो यहां की एयर क्वालिटी जो है वो सबसे निम्नतम किस्म की है ठीक है अगले सवाल की ओर चलते हैं चलिए विश्व मौसम विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है एक नंबर सवाल तेईस मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है अगला सवाल क्या है केंद्र सरकार के अनुसार भगौड़े विजय माल्या नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से अब तक कितने करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है तो टोटल जो भगौड़ा नीरज मोदी नीरज विजय माल्या है नीरव मोदी है और मेहुल चौकसी है इन सभी से मिलाकर कितने करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है अकॉर्डिंग टू केंद्र सरकार ठीक है तो बताएंगे एक नंबर सवाल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा उन्नीस हजार एक सौ ग्यारह दशमलव दो जीरो करोड़ रुपीस विश्व टीवी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है एक सौ इक्कीसवा नंबर सवाल विश्व टीवी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है चौबीस मार्च को विश्व टीवी दिवस मनाया जाता है तो टीवी के प्रति लोगों को जागरूक करके इसकी रोकथाम कैसे की जाए इस उद्देश्य से विश्व टीवी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है 22 नंबर सवाल बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के किस प्रसिद्ध अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया तो बंगाली फिल्म इंडस्ट्रीज के किस प्रसिद्ध अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया है एक नंबर सवाल करेक्ट आंसर क्या है अभिषेक चटर्जी अभिषेक चटर्जी का हाल ही में निधन हो गया ठीक है अभिषेक चटर्जी के बारे में बताएं तो उन्होंने कई बांगाली फिल्मों में बांग्ला मूवीज में काम किया है जैसे मधुर मिलन अमर प्रेम ठीक है ये सब बहुत सारे बंगाली मूवीज हैं जिसमें इन्होंने काम किया है तो इनका निधन हो गया है नासा ने के सौर मंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है तो नासा ने पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है तो 65 कितने? 65 कितने? ग्रहों की खोज उन्होंने की है तो सौर मंडल के बाहर पैंसठ नए ग्रहों की खोज की है और अब इस नई खोज के बाद अगर हम बात करें तो एक्सो जो है बाह्य ग्रहों की कुल संख्या 5000 से अधिक हो गई है पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है एक सौ चौबीसवा धामी ने दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ ली है तो उत्तराखंड किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर तो उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर 23 मार्च 2022 को बारहवें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है भारत ने पहली बार एक वित्तीय वर्ष में कितने अरब डॉलर का माल निर्यात लक्ष्य हासिल किया है तो भारत ने पहली बार एक फिनांशियल ईयर में कितने अरब डॉलर का माल निर्यात लक्ष्य हासिल किया है एक नंबर सवाल 400 अरब डॉलर 400 अरब डॉलर सोचिए तो चार सौ अरब डॉलर का निर्यात कर दिया गया है यह रिपोर्ट कौन जारी करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है किस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साझेदारी की है तो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए आईपीएल टीम चेन्नई सुपरकिंग्स के साथ साझेदारी साझेदारी किसने की है? ICICI Bank. ICICI Bank ने की है है आईसीआईसीआई आईसीआईसीआई बैंक बैंक ने हाल ही में किस देश ने यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है तो हाइपरसोनिक मिसाइल का सबसे पहली बार इस्तेमाल किसने किया है रसिया ने और रसिया पर अमेरिका विभिन्न प्रतिबंध को भी लगाया है रसिया पर कानूनी कार्रवाई करने की बात ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड ने कही है ये सब जो जो चीजें हैं इसको ध्यान में रखेंगे हाल ही में किस राज्य के भरतपुर जिले के केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया है तो अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग किस राज्य के भरतपुर जिले के केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है ठीक है तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में किस राज्य की तकनीक है मतलब अफ्रीका की जो बोमा तकनीक है किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान का राजस्थान का अब इसके इससे क्या होगा बोमा कैप्चरिंग जो तकनीक है इसमें क्या होता है मतलब जैसे मैं यहां पर अगर आपको बताऊं तो एक बाड़ का निर्माण किया जाता है बाड़े का मतलब एक आप समझो फेंसिंग एक आप समझ सकते हो फेंसिंग इस प्रकार के एक फेंसिंग का निर्माण किया जाता है एक फेंसिंग का निर्माण किया जाता है अब इससे क्या होगा चीतल हो हिरण हो इत्यादि को पकड़ने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है कि अब इस प्रयास ये किया जाता है किस तकनीक में कि किसी प्रकार इस बाड़े के अंदर जो है वो जानवरों को पहुंचा दिया जाए तो इस बाड़े के अंदर जानवरों को पहुंचा दिया जाए मान लो जानवर का पीछा इस प्रकार से किया जाता है ताकि जानवर जो है वो इस बाड़े के अंदर प्रवेश कर जाए वही जो है इसका एक प्रमुख उद्देश्य होता है और इसे शिकार करने के आधार में सुधार होता है असम राइफल्स का स्थापना दिवस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है एक नंबर असम राइफल्स का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है करेक्ट आंसर क्या है 24 मार्च को हम लोग असम राइफल का स्थापना दिवस मनाते हैं चेन्नई सुपर किंग्स का नया कप्तान निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है रविंद्र जडेजा रविंद्र जडेजा को एम एस धोनी की जगह पर नियुक्त किया गया ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी के तौर पर माना गया कौन बन गए 8000 हजार तो रन बनाने वाले खिलाड़ी के तौर पर एक सौ इकतीसवा नंबर सवाल कौन है स्टीव स्मिथ क्या नाम है स्टीव स्मिथ भारतीय मूल की किस कंपनी ने फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है तो फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल करने वाला कौन है बाइजूस बाइजूस ने इसको हासिल किया है प्रतिवर्ष किस तारीख को गुलामी एवं ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड के पीड़ितों की याद का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है तो किस तारीख को ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड आपको पता है गुलामी गुलाम बनाया जाता था और अ, स्लेव मतलब बिल्कुल एकदम एक तरीके से आप गुलाम रखना किसी को स्लेव बनाकर रखना दास बनाकर रखना तो यह कब मनाया जाता है 25 मार्च को यह मनाया जाता है डीआरडीओ द्वारा 23 मार्च 2022 को सतह से सतह पर मीन सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली किस तो सुपरसोनिक क्रिज मिसाइल का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सफलता पूर्वक परीक्षण किया गया है तो किसका है ब्रह्मोस का करेक्ट आंसर क्या है ब्रह्मोस किस देश के प्रसिद्ध गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुनिवन ने एबल पुरस्कार 2022 जीत लिया है तो किस देश के ये प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं नाम भी याद रखेंगे डेनिस पार्नेल और कौन सा पुरस्कार जीता है ये भी याद रखेंगे पुरस्कार इन्होंने जीता है एक नंबर सवाल का करेक्ट आंसर है डी अमेरिका एक नंबर सवाल का करेक्ट आंसर है डी अमेरिका निम्नलिखित में से किस टीम ने महिला विश्व कप 2022 सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है तो महिला विश्व कप 2022 सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली टीम कौन है ऑस्ट्रेलिया नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक जिसको आप एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स कहते हैं 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है तो निर्यात के क्षेत्र में किस राज्य ने सबसे बेहतर स्थिति हासिल की है यह सवाल पूछा जा रहा है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात उसके बाद कौन है महाराष्ट्र और उसके बाद है कर्नाटक तो निर्यात सूचकांक क्या बात करता है निर्यात में क्या प्रदर्शन रहा है राज्यों की तैयारी क्या है इसको लेकर वो एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है तो राज्यों की तैयारी का आकलन किया जाता है राज्यों के प्रदर्शन की संभावनाओं को तलाशा जाता है तो क्या क्या इसमें एक्सपेक्टेशन है इस प्रकार से जो है वो एक्सपोर्ट रहेगा वो पूरी बातों को इसमें काउंट किया जाता है ठीक है पर्यावरण मंत्रालय ने प्रत्येक साल पांच अक्टूबर को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है तो पांच अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा ये बताना है तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस क्या है राष्ट्रीय डॉल्फिन डे मारुतु सुजुकी इंडिया ने एक अप्रैल से निम्न में से किस कंपनी का नया सीईओ एवं एमडी नियुक्त करने की घोषणा की है तो किसे जो है वो नया सीईओ एवं एमडी नियुक्त किया जाएगा एक अप्रैल से इसकी घोषणा की गई है हिशासी ताकेची हिशासी लिखा भी है वायलेंस लिख दिया है हिशासी ताकेची को वायलेंस लिख दिया गया है ठीक है संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष दो हजार के लिए भारत की विकास दर कितनी फीसदी रहने का अनुमान लगाया है तो 2021-22 के लिए भारत की विकास दर कितनी होगी इसका अनुमान संयुक्त राष्ट्र ने कितना लगाया है ये एक डेटा है जो आप याद रख सकते हैं 4.6 प्रतिशत तो इसके पीछे का कारण क्या है पहले 6.7 सोचता था अब 4.6 कर दिया इसके पीछे के कारण एक तो जो ईंधन की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है रशिया यूक्रेन के समस्या के कारण और उसके कारण बहुत सारी समस्या हो सकती है कीमतों में उछाल आ सकता है साथ ही साथ मुद्रास्फीति खाद्य मुद्रास्फीति भी बढ़ सकती है तो ये सब कारण है जिसके कारण अनुमान दर को कम कर दिया गया किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री मेडेलिन अलब्राइट का चौवर चौरासी साल की उम्र में निधन हो गया है तो किस देश की है ये पहली महिला विदेश मंत्री नाम भी याद रखिएगा मेडेलिन अलब्राइट एक सौ नंबर सवाल करेक्ट आंसर है ए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ठीक है किस भारतीय अभिनेता को धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है तो किस भारतीय अभिनेता को धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है रणवीर सिंह को किसको किया गया है रणवीर सिंह किसने हाल ही में स्विस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब जीत लिया है तो स्विस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब जीतने वाले व्यक्ति हैं पीवी सिंधु क्या नाम है पीवी सिंधु किसने 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है एक नंबर सवाल तो दूसरी बार गोवा के पद मुख्यमंत्री पद की शपथ प्रमोद सावंत ने ली है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ ने अगले पांच वर्षों के लिए एमडी एवं सीईओ किसे नियुक्त किया है तो किसे नियुक्त किया है राजेश गोपीनाथन को राजेश गोपीनाथन भेल के बोर्ड में से निम्न में से किसने निदेशक विद्युत का पदभार ग्रहण किया है किसने निदेशक विद्युत का पदभार ग्रहण किया है

विधायक सौरभ भारद्वाज किसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया है इसके तो क्या है दिल्ली भारत किस महिला शास्त्री को बोर्ड में शामिल कर दिया है सातवा नंबर सवाल पर क्या है जयत क्या नाम है जयत एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय साल का कार्यकाल कितने साल के लिए पढ़ा दिया गया कितने साल के लिए पढ़ा दिया गया भाई भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया यह अंतिम सवाल है भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है शंकर प्रसाद शर्मा ये आपका लगभग एक पार्ट हमने जो महत्वपूर्ण सवालों की सूची में से एक पाठ लगभग हम लोगों ने खत्म कर दिया ठीक है yeah. अब आवाज़ जा रही है चलिए तो ये एक पार्ट था नेक्स्ट पार्ट के लिए फिर हम लोग मिलेंगे लगभग इसके बाद हम लोग और सेम नंबर ऑफ सवाल डिस्कस करेंगे वैसे दोपहर में आज हम लोग तीन बजे बिहार करंट अफेयर्स जो बिहार का करेंट अफेयर्स है उसके लिए हम लोग अलग